पानी पेश किया जाता है तो मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है, वो भी इस वजह से कि मैंने स्वैबा को आजाद किया था जब उसने आके मुझे नबी सलाम की पदाइश की खुशी दी, तो मैंने उसको आजाद कर दिया था। तो अब इससे वो बनी रहते हैं, देखें कि एक काफर जो है उसको नबी सलाम की पदाइश की खुशी में अल्लाह ताला लेस दे रहा है, उसके दाम में कमी कर रहा है, उसे पानी पिला रहा है, ठीक है। तो हम तो ये सारे काम नबी सलाम की मोहब्बत में कर रहे हैं, हम तो मुसलमान है, तो हमें अल्लाह ताला आज खून आएंगे अपने दर्जा ओला सवाब अदा करेंगे और हमारे मुकाम को कम करेंगे। अब इसमें ना हम देखेंगे, पहली बात यह है कि इस हदीस की सनद मुनकता है, इसकी सनद को मान लीजिए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात में वही है कि अबू लहब ने जो आजाद किया था ना सहाबा को, उसने नबी सलाम को ऐसा पैगंबर होने की हैसियत से नहीं आजाद किया था, उसने अपना भतीजा होने की हैसियत से उसको आजाद किया था। वरना जब नबी सलाम ने रायन हुआ किया तो ये लोग तो आपके खिलाफ हो गए थे सारे सारे, ठीक है ना। उसने ऐसा अपना भतीजा होने की खुशी में इसको आजाद किया था सहाबा को, ठीक है ना, कि पैगंबर होने की हैसियत। तो तीसरी बड़ी ये बात है कि अगर ये इतना साबित हो गया तो फिर ये कहना कि साबित है, उन्होंने भी कोई इस तरह का तरीका नहीं बनाया कि उन्होंने नहीं ये यानी कि इस हदीस से एक तरह ये प्ली ली कि अपना जी जब तो काफर को इतना सवाब मिल रहा है मिल रहा है नबी सलाम की पदाइश के दिन इस छोटे से अमल पर, तो हम क्यों ना करें। देखें किसी साहबा ने लोगों को लोड़ी ने दाद की, कोई इतना काम नहीं किया, अब बकर उमर उस्मान वाली रजी अल्लाह तआला अन्हु अस्सलाम अजमाईन, किसी ने कोई रबी अव्वल के दिन यानी कि कोई लोड़ी ने दाद की कि अबू लहब जो काफर था उसने दाद की इसको इतना जुर्म मिल रहा है, हम तो दर्जा होगा यानी एक अमल साबित हो गया ना नबी सलाम सलाम की पदाइश के दिन अमल करें और इस पर आपको अजर मिलेगा, तो किसी ने कोई लोड़ी दाद नहीं की इतना का, ठीक है। तो ये इनके दलील ऐसा नहीं बन सकती इतना मिला।